आप उस पार्टी से आते हैं जो किसानों की नुमाइंदगी करती है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन, फसल की MSP, क्या ये मुद्दा है चुनाव में? देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, मैं इनकी मानसिकता, इनकी पार्टी के बारे में बात बताना चाहूँगा। जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी को इस भारत की सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, अगले दिन जब जयंत चौधरी जी संसद भवन के अंदर बोल रहे थे, तो कांग्रेसियों की ओछी मानसिकता सामने आई और वो इस बात को नहीं पचा पाए कि एक किसान के बेटे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, ये बात इन्हें नहीं पची। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मजबूरी में दिया है कि इलेक्शन आ रहा है और किसानों को इकट्ठे, आपकी सरकार कितने दिन रही, हम लोगों ने तो प्रधानमंत्री बनाया उनको, कितने दिन रही? नहीं सर, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। अरे बोल रहा है, सब आवाज आ रही है, आप अंदर से बोलिए। आपकी 10 साल से सरकार थी, इससे पहले क्यों नहीं भारत रत्न दिया आप लोगों ने? अभी आपकी बात कर रहा हूँ ना, ये सारी नौकरी अभी निकल रही है। सचिन बोल दीजिए, आप पूरी करिए अपनी बात, पूरी कीजिए, क्या कह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब इलेक्शन नजदीक आया तो इन्होंने वो है ना, उसने भानपति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब भी तो सर आपने क्या किया है, 28 दलों का क्या कुनबा जोड़ा आपने, इसका वो क्या है? इन लोगों ने जो चुनाव से पहले गठबंधन क्या जोड़ा है सर? अब रही बात दूसरी, सुनिए। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने कहा भानपति का कुनबा जोड़ा, आपने क्या जोड़ा? ये INDIA क्या है? हमने ये वो लोग हैं, ऐसा कोई सगा नहीं, इसे इन्होंने ठगा नहीं, ये क्या है? 28 दलों का गठबंधन क्या है सर? तो 36 दलों का है आगे, तो हाँ तो है, तो आप दूसरे को भानपति का कुनबा बता रहे, तो आपका क्या? इनको दूसरी चीज, समाजवादी के साथ गठबंधन है तो माननीय जो हमारे किसान, जिनकी कहते हैं किसान का बेटा, वो उनको सीटें मिलती हैं 17, और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें वो देती है जहां पे इनको लगता है कि हम जी नहीं जीत पाएंगे। ये जवाब इनको जनता देगी, किसानों के ही बेटे देंगे इनको जवाब। कांग्रेस पार्टी जवाब लेने के लिए तैयार रहेगी, संतुष्ट है 17 सीटों से, इनकी सरकार नहीं आने वाली। कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है 17 में से, जीत कितनी रहे हो? कौन हम 17 में से 17 जीत रहे हैं। आप देखियो 35 सीटें हमारी, 17 में से 17 जीत रहे हैं। हाँ, नाम बताओ 17 सीटों का। हम नाम बता रहे, 17 सीटों का नाम बताओ, जो जीते, जो सीटें हमें मिली है, 17 सीटें जो आपको मिली हैं उनका नाम बता दो। नाम से क्या मतलब है, आप लोग बता दो। नहीं, 10 नहीं, हम 17 नहीं 35 सीटें जीत रहे हैं। ये विकास के नाम पे लोग वोट देंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, धर्म तो आप तो 400 जीत रहे हैं, आप 400 के नाम बताइए, आप 400 के नाम बताइए। एक मिनट रुके, आप 400 के नाम बताइए। नहीं नहीं, आप उनसे 17 पूछ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं 400 की बात करी। नहीं, आप 400 के नाम बताओ ना सर। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप 400 जीत रहे हो, नहीं नहीं, 20, आप 20 जीत रहे हो, आप कितनी जीत रहे हो? 400 पार जाएंगे, तो 400 के नाम बताइए, बताइए 400 के नाम। टाइम खत्म हो जाएगा बोलते ना, माइक उठा के बोलिए, माइक उठा के बोलिए। भारत माता एक सूत्र में बंधी है, और भारत माता की जो 543 सीटें हैं उसमें से हम 400 पार करने वाले हैं, यही हमारा संकल्प है। सबका साथ सबका, 200 के भी लाले पड़े हैं, यही सबका सर। सर 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 राजीव जी, आप बीजेपी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप विधायक हैं, लेकिन दूसरे पर उंगली उठाने पर 4 उंगली अपने पे भी उठती हैं। आप उनको पूछ रहे हैं 17 सीटों का नाम बताओ, आप कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, 400 सीटों का नाम आपको बताना पड़ेगा। उंगली नहीं उठा रहे, जवाब दे रहे हैं, जवाब ठीक है, जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, मैदान में ठहरने वाले हम, मैदान यहाँ कुछ भागने वाले नहीं है। मैम, आप लोग अमरोहा से ही हैं? अमरोहा से खड़े होइए, ये बताइए जो लोकसभा सीट जो आपकी पड़ती है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए, और उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, फिर मायावती जी आ रही हैं, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दे तो ऑलमोस्ट मोदी जी ने सोल्व कर दिए हैं सभी, राम मंदिर हमारा, सड़कें लेके, विकास चारों तरफ, स्वच्छ भारत, सब कुछ तो उन्होंने कर दिया है। तो अभी की बार 400 पार सबका यही नारा है, यही से 400 पार जी। मैम आप खड़े होइए, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ पे कोई नहीं है, लेडीज का मुद्दा था, वो मोदी जी ने सोल्व कर, क्या मुद्दा था? लेडीज की सुरक्षा का मुद्दा था, मोदी जी ने सॉल्व कर दिया। कैसे? जब से योगी जी आए हैं तब से लेडीज बिल्कुल सेफ फील करती है, कहीं भी जाए कहीं भी आए, तो इसी पे वोट पड़ेगा। यस मैम, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए कि तो मैं एजुकेशन में काम करती हूँ, तो मैं एजुकेशन की ही बात करूंगी। बताइए, शिक्षा के मामले में और विकास की जरूरत है, उसी में जितना विकास दे दे मोदी जी और योगी जी, तो मैं उसी में। बात हो रही है किस चीज की? उसी मुद्दे की बात हो रही है? जी हाँ, मैं उसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ कि शिक्षा, चुनाव में बात हो रही है उस मुद्दे पर, अभी तो मुझे दिखी नहीं। लीजिए भाई, आपके सामने कह रहे हैं अभी तक हमें दिखा नहीं, इस पर अभी तक दिखा नहीं। आप बताइए राजीव जी, आप बताइए आपके सामने कह रहे हैं शिक्षा का मुद्दा। अभी बंधु भी उठा रहे थे और इधर से भी आवाज आई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप नेगेटिव खबरें तो पढ़ते हो,
जरा मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी के निर्माण की भी खबर पढ़ लेते हैं, उसका काम शुरू हो गया है। माननीय विधायक, यहाँ पर महाविद्यालय, अरे पीजी क्लास हमने कराई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी यूनिवर्सिटी है। ये कह रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद, सरकारी यूनिवर्सिटी बन रही है, सरकारी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में काम चल रहा है, काम चल रहा होगा। आप गूगल सर्च करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और पूरे विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। और इसी बजट में आपने पढ़ा होगा, अखबार भी पढ़ा करो, टीवी चैनल देखा करो, ठीक है, केबल टीवी, झूठे सच्चे नहीं, ओके, 50 करोड़ रुपया इसी बजट में प्रावधान किया और जैसे ओके, जैसा आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाते जाएंगे। सचिन, इस क्षेत्र में भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए।